मेरे घर में ऐसे बच्चा होने वाला था और ऐसे हमारे एक तो अनाउंस ऐसे किया, मैंने भाभी को फोन किया तो कह रही हमारे यहाँ कान्हा जी या माता रानी आने वाली हमारे यहाँ अभी भी ऐसे बात कर रहे हैं तुम्हारे, बोल रहे एक्सपेक्टिंग आजकल नया है तुमने सुना है, शी इज कैरिंग ब्रो, शी इज कैरिंग कैर कैरिंग, तुमने माँ की ममता को कूली बना दिया है, कैरिंग क्या होता है? Nicely, hi. Hi. Good, good people you are. You're just like my father. You remind me of my father, sir. Yeah. Later you'll regret that I said this. my dad's a great human being. My dad's a great human being. पर मैं जितनी बार अपने चड्डी बनान सुखाने जाती हूँ, वो आके उसपे तौलिया लगा दे रहे हैं. उनको लग रहा है अरोड़ा परिवार की सारी इज्जत मेरे दो डायमीटर के थोंग के अंदर बसी हुई है. अगर कोई देख लेगा तो लूट जाएगी. अब उससे ना दो प्रॉब्लम हो रही है, एक तो मेरी चड्डी टाइम पे नहीं सूख पा रही, अब वो पूरा दिन तौलिया लेके घूम रहा है जिसपे थोंग का इम्प्रिंट है. कोई अच्छा नहीं लगता धारी वाले तौलिया में थोंग का इम्प्रिंट, ठीक है ना? बहुत प्रॉब्लम आ रही है. फिर मैं आगे डेट पे जा रही हूँ तो लड़के खुश हो रहे, ओहू ही कमांडो. आई एम लाइक, आज ये सिपाही पापा के सर पे खड़ा हुआ, ठीक है ना? इसका अपना कोई मन नहीं था. और क्योंकि अब वो अच्छे इंसान है तो मैं जितनी भी रिबेल बनने की कोशिश करती हूँ ना, मैं पूरी फेल हो जाती हूँ उसमें. और मैं बहुत कोशिश करी, जैसे मैंने सोचा कि ऐसे मैं ड्रंक टैटू बनवाऊंगी कि हे फुल मिस्टेक. अब मेरी गांड के ऊपर पापा की परी लिखा हुआ है, पापा अंदर परी बाहर मल्टीफंक्शनल टैटू. अब अगर कोई लड़का आ रहा है बोल रहा है परी है तो पापा की है यार. जोर जोर प्रॉब्लम हो गई. अब मस्त आदमी है यार, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं वो, क्योंकि उन्होंने माना ही नहीं है कि उनके यहाँ लड़की पैदा हुई है. उनने सोचा कि औरत जात को एड्रेस ही नहीं करेंगे, क्योंकि टाइम पे अबॉर्शन नहीं करा पाए तो अब डिनाइल में रहेंगे. क्या करेंगे अगर मानेंगे नहीं हम कि अगर लड़की पैदा हुई है? जैसे अगर वो मेरे बैग में IPL देखे तो मेरे को पार्ले जी लाते हैं कि खाली पेट मत खाना, गैस हो जाएगी. लाइक श्योर दैट हाउ इट वर्क्स. बट इज़ अ ग्रेट ह्यूमन बींग. डिनाइल में रहने के बहुत फायदे होते हैं. और मतलब ये हम सब लड़कियों के साथ होता है जहाँ पे हमारे बाप मानना बंद कर देते हैं कि हम बड़े हो गए हैं, ठीक है? ऐसे प्यूबर्टी पे एक एज आती है जहाँ पे पापा आपको ऐसे हक करना चालू कर देते हैं, लाइक दैट्स व्हाट, जिसमें आपको घर में ऐसे किसी भी रिश्तेदार की शादी में नहीं जाना तो बोलते पापा पीरियड्स पे हूँ. और पापा फिर 6 महीने नहीं पूछना है कि कहाँ है, पूछना ही बंद कर दिया उन्होंने. ये घर में ये वो टाइम होता है जब घर में आपको कुछ भी छुपाना हो तो उसके बबरा फेंक दो. उसको उठा के कोई कुछ नहीं देख रहा. मैंने कहा पापा नीचे लाश पड़ी होगी, हटाओ इसको. कोई मतलब नहीं हमको इस बात से. पर मस्त आदमी यार. और मतलब ऐसे पेरेंट्स का मेरे को लगता है, पर उनको देख के कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि आप अपने पेरेंट्स को देखते हो, यू रियली लव देम, बट यू फील लाइक कुछ तो हिला हुआ है इनका. जैसे उनको लगता है कि क्योंकि आप इंटरनेट पर पूरे दिन रहते हो तो इंटरनेट आपने ही ईजाद किया है. मेरे को जब भी मैं मेरे पापा को फ्री देखती हूँ वो मुझसे IRCTC में टिकट चेक कराते रहते हैं. एंड विद पेरेंट्स इज नॉट कि मेरे को 5 तारीख को जाना है, हमेशा होगा 1 से 10 की सारी 3rd AC की टिकट चेक करके बताना. IRCTC की वेबसाइट पर सुबह 11:15 मेंटेनेंस में चलेगी कि मुझसे नहीं हो पाएगा ये. तुम्हें श्रवण कुमार याद है जो अपने मामा को उस पर लेके गया था? क्योंकि उसने टिकट चेक करा रहे थे. उसने कहा मैं खुद ही छोड़ाऊंगा यार, मुझे नहीं करना लॉग इन. बट ऐसे बींग पेरेंट्स इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू डू, क्योंकि बच्चा चूतिया पैदा होता है. लेट मी पुट इट आउट देयर, ठीक है? और कोई भी इंसान ऐसे माँ बाप बन सकता है, किसी में कोई KYC नहीं लगता. तो बैंक में 15 रुपए जमा कराने जाएगा तेरे को बोलेंगे KYC, बच्चा पैदा के लिए नो KYC. लोग क्या कर रहे हैं प्रेप अप करने के लिए? प्री बेबी शूट. दोज अनोइंग पिक्चर्स व्हिच ऑल लुक द सेम, द ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर्स जिसमें एक लड़की खड़ी होती है, एक लड़का नीचे बैठ के उसके पेट पे पुच्ची कर रहा होता है, उसकी खुद की तोंद अड़ती है तो कोशिश कर रहा होता है कि मैं करूंगा आज. फिर सेकंड स्क्रॉल करोगे तो वो साइड एंगल में ढोंगा पकड़ के खड़ी हुई है. सेम पिक्चर्स. एंड व्हाट आर यू सेलिब्रेटिंग टिल देन? तब तक कोई आउटपुट तो आया नहीं है तो तुम क्या सेलिब्रेट करो कि एक इंसान की बॉडी चेंज हो गई है? देन तो आई डिजर्व द प्यूबर्टी शूट.
कितना मजा नहीं है पहली बार पीरियड बोला आ जाओ जो रील बनाएंगे मैंने उसे देखा फटती हुई गांडों में फिल्टर लगाएंगे फिर कोई भी नहीं कर रहा है ऐसे प्री बेबी शूट करा रहे हैं और बेसिक पेरेंटिंग क्या होती है मेरे घर में भी बच्चा है बेसिक पेरेंटिंग है कि इसको जिंदा रखना है तभी तो आपको छोटे पैकेट में देते हैं इसको संभाल के दिखाओ फिर बड़ा होगा उसकी अंतर आत्मा अपने आप मर जाएगी इसको संभाल के दिखाओ आप पहले मेरे घर में ऐसे बच्चा होने वाला था और ऐसे हमारे एक तो अनाउंस ऐसे किया मैंने भाभी को फोन किया तो कह रही है हमारे यहाँ कान्हा जी या माता रानी आने वाली हमारे यहाँ अभी भी ऐसे बात कर रहे हैं तुम्हारे बोल रहे एक्सपेक्टिंग आजकल नया है तुमने सुना शी इज कैरिंग ब्रो शी इज कैरिंग कैर कैरिंग तुमने माँ की ममता को कुली बना दिया वे कैरिंग क्या होता है बहुत मुश्किल काम है कैरिंग कर रहे हैं लोग कैरिंग मैंने पूछा कब प्लान किया तो कह रहे हो मालदीव्स गए थे ना लाइक मेक माई ट्रिप डिसाइड करेगा क्यों मैं किसके साथ जायदाद शेयर करने वाली हूँ कम से कम मैं उनसे ये सवाल नहीं पूछ पाई बट आई हैव नेवर मेट टू पीपल हु हैव लुक्ड इनटू ईच अदर्स आईज एंड सेड कि अब हम दोनों मेंटली प्रिपेयर्ड है कि एक और इंसान को रेज कर सके किसी से पूछो कि बच्चा क्यों पैदा करना है से भद्दे भद्दे से जवाब मिलेंगे हमारा 30 के बाद स्पर्म काउंट लो हो जाता है अभी तेरा आईक्यू लो है उस बात का क्या बच्चे पैदा करने हैं इनको सबको सबको ही बच्चे पैदा कर डालने हैं अब वो पैदा हो गया अब उसका नाम रखो एक तो बच्चे का नाम कैसे रखते हैं वो चार दिन का वैसे मूत्रा जैसा मूत्र है ऐसे नहीं कि अलग से दो धारी तलवार ऐसे कुछ भी नहीं वैसे मूत्रा एट वॉट डे डू पेरेंट्स सिट विद ईच अदर एंड गो लाइक सुनो हमारा वाला चंद्रचूड़ तो नहीं है कैसे बात कर रहे हैं एक दूसरे से और मेरे को सेम लॉजिक ना ये ईडीएम गानों का समझ नहीं आता तुम सुनते हो टेक्नो गाने ईडीएम बिना शब्दों वाले गाने उसका नाम कैसे डिसाइड करते हो तुमको कैसे पता कि टिन 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 को फायरफ्लाई बुलाते हैं और उसके सारे नाम भी ऐसे होंगे फायरफ्लाई पैराडॉक्स अदर थिंग्स आई डोंट अंडरस्टैंड लाइक माय बॉयफ्रेंड्स इश्यूज No, his favorite song, I'm not making this up, his favorite song is Don't You Worry Child, because that's something nobody told him as a child. That's just how it works now. Naam rakh rahe hain. Aur aaj kal tumne dekha, bachcho ka naam rakhne mein kya Nolan ho rakhe hain log, aye hai. Kya naam hai aapke bachche ka? Alankrita. Ekagrita. Kushagra. Ab wo 4 saal tak apna hi naam pronounce nahi kar pa raha hai. कोई नाम पूछ रहा थोनू अब रहो थोनू के साथ जिंदगी भर बेवकूफियां करके और वो कैसे करेंगे जितने भी तुमने ब्लॉग्स लिखे हैं जितने आर्टिकल लिखे हैं क्या लिखा है कि ऐसे कौन सा सेरेलैक खिलाना चाहिए बच्चे को कोई रियल प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहा है कि वॉशिंग मशीन में छूट रहा है तो क्या करूं उसको लग रहा है मेरी गो राउंड हो रहा है उसको ब्लडी मैरी हो रहा है वहां पे बहुत मुश्किल है फिर उसके बाद भी और मेरे घर में जो बच्चा 3 साल का है मैं 3 साल से ना ऐसे मेरा उसके साथ अच्छा सा रिलेशनशिप है कि मतलब मैं देखती हूँ कि यार बच्चे क्यों पैदा करते लोग फिर उसका क्यूट बम दिख जाता है नंगा नंगा मैं कहती हूँ हाँ बढ़िया है ऐसा बहुत सारा है क्यों बच्चे की तो गलती नहीं है तुमने ऐसे माँ बाप बच्चे पैदा कर दिए मेरे को उन पर गुस्सा आता है कि तुम क्यों कर रहे हो ऐसा बट आई थिंक टू माई सेल्फ एंड समटाइम्स आई थिंक कि यार और बहुत पेरेंट्स को भी ऐसा लगता है कि हमारे बच्चे ने जितने प्यार से हमें देखा है नोबडी इज एवर लुक्ड एट अस विद सो मच लव But if the only person who's ever looked at you with love is the dumbest thing in the room, what does it say about your personality? वो उसको गरम कुकर दोगे वो चाटेगा उसको क्यों बोल? How does that taste matter? बच्चा पैदा हो गया अब उसका बर्थडे मना रहे हैं फर्स्ट बर्थडे हाँ फर्स्ट बर्थडे बर्थडे क्यों मनाता है इंसान कि तुम्हारे जीवन का ऐसे वाह तुमने क्या मस्त काम किया है ठीक है उसको बर्थडे मना रहे हैं उसका फर्स्ट बर्थडे है और थीम बर्थडे बॉस बेबी बॉस बेबी इट इज द मोस्ट अंडर अचीव थिंग इन द रूम व्हाट द फक आर यू सेलिब्रेटिंग किसी का
अगर बर्थडे मनाना है तो उसके बाप का बर्थडे मनाओ. वो 40 साल का आदमी है, वो बेचारा अपने ही बर्थडे पे रात को 10 बजे घर आ रहा है, वही भद्दा सा बच्चा भद्दी सी ड्राइंग बना के उसको दे रहा है, नीचे लव थोनू लिख के, और तुम्हें बोलना ही पड़ रहा है वेरी क्यूट एकाग्र वेरी क्यूट. हमने वाला हमारे वाला ना 3 साल हो गया उसको, 3 साल तो जिंदा रख रहा है, मस्त मजा आ रहा है. ग्रेट. तो मैं उसके लिए ऐसे मार्केट में कुछ गिफ्ट विफ्ट लेने गई, तो वहाँ पे मेरे को सेल्समैन ने बताया कि ये आजकल क्रेयॉन्स हैं, जो गलती से बच्चा खा ले तो उसको कुछ होगा नहीं, चूतिया तो खा लेगा तो कुछ होगा. आई वाज लाइक फेयर. मैंने कहा पैक कर दो, तो कह रहे 8,000 के हैं. 8,000 के, 8,000 रुपये नकद देने पे मैं तुम सबके घर पे आके बच्चे को हाथ पकड़ के बोलूंगी कि लौड़े इसको खाते नहीं है, समझ आ रही है तेरे.